2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बंदे पे होने चाहिए पर बंदा एक। दोस्तों अब चलते हैं हम बिजनौर, और बिजनौर जाएंगे यहाँ को बादराबाद और आपका हरिद्वार, हरिद्वार से फिर नजीबाबाद, नजीबाबाद से किरतपुर, ऐसे होते हुए बिजनौर जाएंगे। क्योंकि बिजनौर हम इसलिए जा रहे हैं, हमारा भतीजा जो है उसके कबूतर चोरी हो गए थे, तो उसकी ससुराल है वहाँ पे, तो वहाँ से वो लेगा कबूतर। और मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, धूम है, और वहाँ से कबूतर लेके फिर रात को निकलेंगे हम अपना दिल्ली के लिए, घर के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें, अभी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो ये इधर जाएगा हरिद्वार और हमें जाना बिजनौर, तो हम यहाँ से जो इधर को घूम गए, अब यहाँ से हम बिजनौर के लिए निकलेंगे बाहर बाहर। और ये साइड में आपका हरिद्वार आ गया, ये हरिद्वार आ गया दोस्तों। अब हमें जाना बिजनौर, तो हम यहाँ से निकलेंगे बाहर बाहर। देख ऊपर होटल है का, मंदिर है का, सारे होटल है। देख बिजनौर के लिए रास्ता भी आ गया दोस्तों हमारा, यहाँ से लेफ्ट होना हमें। मंदिर भी दिख रहा है, पर यहाँ से क्या है कि छोटा रोड है। मनसा देवी का, ये देखो सामने मनसा देवी का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है कि छोटा रोड है, हम यहाँ गाड़ी रोक नहीं सकते। बस आई हुई सब घूमने वाले आए हुए थे, देख ले भाई रास्ता एक बार, यही होगा यही होना चाहिए। ये तो अंग्रेजी में बता रहा है पीछे। यहाँ से दोस्तों हम घूम गए बिजनौर के लिए, सीधे चलना है ना। यही तो है एक मंदिर और है यहाँ पे, कोई वो है कालका जी का, कालका जी का मंदिर है शायद, मोहन पहाड़ो पे उस वालों का। हम कहाँ गए, ये दोस्तों इधर गंगा है और बिल्कुल पत्थर बीच में कुछ वाइट, पर सबसे बड़ी बात क्या, गाड़ी यहाँ रोक नहीं सकते। देखते हैं कहीं गाड़ी रोक के अगर होगा तो सामने वाले तो फोटो वोटो कहते हैं हम। हाँ ये देखो सामने जो है मंदिर है, ऊपर पहाड़ों पे दिख रहा हो तो शायद आप, क्योंकि धुंध इतनी है ना, धुंध में दिखेगा नहीं इतना साफ। इधर को दोस्तों देखो तिरंगा झंडा भी अपना कैसे ले रहा है। सामने पहाड़ आगे तो सारी बात होती समय की, समय हमारे पास नहीं थी तो यहाँ रुक रुक के और देख के और आपको दिखा के फिर चलते, क्योंकि हमें 3 दिन तो हो गए कलियर शरीफ में ही। अब बिजनौर जाने हैं हमें राजा के साथ, अपने भतीजे के साथ कबूतर लेने, तो इसको कबूतर लेने वहाँ से, फिर कबूतर लेंगे हम बिजनौर से इसकी ससुराल से, फिर चलेंगे दिल्ली।
जा रहा था, तो मैं उसके थोड़ा सा ही पीछे था, थोड़ा आमदनी पत्थर आया, बंदे सारे पिस गए अंदर ही, मर गए होंगे ये तो पता नहीं था, क्योंकि एकदम ही निकल गए थे बस हम तो, हमारी गाड़ी थोड़ी सी ये देखिए यहां से जा रहा है कोहरे का भी तो पता नहीं ना, कोहरा रात में आ जाए तो नहीं तो रुकते अभी 10 मिनट यही पड़े 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 होते रहते हैं। सावधानी के लिए करते हैं ऐसे सावधानी, शेर भी है फिर तो हाँ या शेर भी मिलेगा सावधानी, वो तो शीशे में भी दिख जाएगा अभी पता क्या दिखता है सीधा ही दिखा रहा ना कितने किलोमीटर बढ़िया, इधर से सुविधा हो जाएगी, जैसे कि बिजनौर से या कोटद्वार से आप इधर आना चाहो हरिद्वार की तरफ तो बहुत बढ़िया रोड बन जाएगा। अभी तो काम चल रहा है, इसका एक लाइन तो बन गई, दूसरी लाइन पे काम चल रहा है,
है दोस्तों रोड बढ़िया। अब देखते हैं कब तक चलता है, अब जा रही हमारी गाड़ी 100 की 100। गेट है मोतीचूर का किरतपुर में, यहाँ पे एक डॉग की कहानी है, वो किसी और समय देखेंगे, अभी फिलहाल टाइम हमारे पास कम है क्योंकि कोहरे का टाइम हो रहा है। उसकी सही ये दोस्तों किरतपुर का बस स्टैंड है, सामने बस भी लगी हुई है स्टैंड पे। आगे दोस्तों पेड़ों की गुफा, ये गांव में किसी की शादी के बाद जब फिर सोई लग भी आ रखने के लिए बाहर में नहीं आता दोस्तों। हम तो अपना गांव भी नहीं पहचान पाए, हमारे तो गांव का रास्ता ये जा रहा है इधर, बट चलो हमें गांव जाना तो नहीं है, चलते हैं बिजनौर में भी नहीं घुसेंगे अंदर, बाहर बाहर निकलेंगे बिजनौर से, भी काफ़ी समय हो गया और रात हो जाएगी, 1:30 बज जाएगा, 2 भी बज सकते हैं घर पहुँचते पहुँचते। दोस्तों पहुँच गए बिजनौर में,
शक्ति के चौराहे पे, अब यहाँ से लेते राइट, बार बार भागते हैं, उसके बाद चले राजा के गाँव। सब खत्म हो जाएगा नीचे और ऊपर वाले कमरे में। इन्होंने अगर ये पूरा इलाज कर देते हैं मेरे भाई, मेरे को तो लग रहा है ऊपर वाले कदम से ठीक हो जाते हैं।